क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। कंगारुओं को कुचलकर भारत ने पहले मैच में मिली हार का बदला भी ले लिया और दिखा दिया कि कैसे टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जाने वाली है और किस तरह का खेल वर्ल्ड कप में दिखाने वाली है। अब दूसरे मैच में भारत की जीत तो हुई, लेकिन साथ ही साथ रोहित और विराट के बीच की जबरदस्त जुगलबंदी भी दिखी। विराट कोहली ने कप्तान रोहित शर्मा का भरपूर साथ दिया तो रोहित शर्मा ने भी पूर्व कप्तान को पूरा सम्मान दिया। और सबसे तो दूसरे ओवर में हुआ जब विराट कोहली से एक कैच छूट गया, लेकिन तुरंत ही रोहित शर्मा ने प्लान बदल दिया और विराट भी तुरंत समझ गए। विराट को खास इशारे में बहुत कुछ समझाया और फिर अगली ही बॉल पर विराट ने चमत्कार भी कर दिया। और इसके बाद तो विराट से ये भी कह दिया कि देखो प्लान का क्या असर हुआ, मैंने कहा था ना, तो दिखाते हैं आपको क्या हुआ दूसरे ओवर में, कैसे रोहित और विराट के उस प्लान से ढेर हो गए कंगारू। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके रोहित और विराट की इस जुगलबंदी पर, इस दोस्ती पर अपनी राय जरूर दें। तो बारिश के चलते नागपुर में खेले गए दूसरे T20 मैच में सिर्फ 8-8 ओवर्स का गेम हुआ, लेकिन मैच में खूब धमाल हुआ, खूब बवाल हुआ। दोनों ही तरफ से चौके छक्कों की बरसात हुई। सिर्फ 16 ओवर के खेल में 182 रन बन गए। अब टीम इंडिया ने रोहित शर्मा और अक्षर पटेल के प्रताप से 6 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया और धमाकेदार जीत दर्ज की। लेकिन इसी मैच में रोहित शर्मा विराट कोहली की जबरदस्त जुगलबंदी भी देखने को मिली, जबरदस्त दोस्ती और प्लानिंग देखने को मिली। दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करते रहे और इशारों में ही समझाते रहे, एक दूसरे को लेकर जबरदस्त सम्मान देखने को मिला। और जो दूसरे ओवर में दिखा वो तो कमाल था। असल में मैच का दूसरा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और अक्षर पटेल की पहली बॉल पर कैमरन ग्रीन ने बड़ा शॉट मारा, बॉल लॉन्ग ऑफ की तरफ गई। अब विराट कोहली लॉन्ग ऑफ पर नहीं बल्कि लॉन्ग ऑन पर खड़े थे, यानी करीब 40 से 50 मीटर दूर, और विराट कोहली इतनी दूरी कवर करते हुए दौड़ते हुए पहुंचे और कैच लपकने के लिए डाइव भी लगा दी। लेकिन आखिरी मौके पर विराट कोहली के हाथ से बॉल छिटक गई, विराट कैच पकड़ नहीं पाए और ग्रीन का कैच छूट गया। अब विराट से कैच छूटा तो विराट कोहली से ज्यादा दर्द रोहित शर्मा को हुआ, क्योंकि रोहित को लग रहा था कि विराट इस कैच को आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तुरंत ही यहाँ पर रोहित ने अगली बॉल पर प्लान बदल दिया। जी हाँ, कैच छूटते ही रोहित ने इशारों में इंटरचेंज का इशारा कर दिया और आगे पीछे आने को कह दिया, यानी कि रोहित ने लॉन्ग ऑन पर खड़े विराट कोहली को आगे मिड ऑन पर बुला लिया और मिड ऑन पर खड़े आगे वाले खिलाड़ी को पीछे लॉन्ग ऑफ पर भेज दिया। रोहित ने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। अब अगली बॉल पर क्या हुआ वो देखिए, क्योंकि वो चमत्कार से कम नहीं था। अक्षर पटेल की बॉल पर कैमरन ग्रीन ने शॉट मारा और इस बार बॉल मिड ऑन की तरफ गई जहां पर विराट कोहली खड़े थे। विराट कोहली ने तुरंत ही बॉल को लपका और वापस से नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ थ्रो किया। अब यहां पर विराट ने चीते की रफ्तार से बॉल को गैदर किया और चीते की रफ्तार से बॉल को थ्रो भी कर दिया और बॉल सीधे जाकर स्टंप्स पर लगी, यानी कि ये डायरेक्ट हिट थी। और कैमरन ग्रीन जिनका एक बॉल पहले कैच छूटा था वो क्रीज से बाहर रह गए, यानी कि यहाँ पर कैमरन ग्रीन आउट हो गए। हालांकि अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया और भारतीय खेमे में जश्न शुरू हो गया। सबसे खास जश्न था कप्तान रोहित शर्मा का, क्योंकि एक बॉल पहले ही रोहित ने फील्ड बदली थी और विराट को एक खास जगह पर तैनात किया था और इसके तुरंत बाद विराट कोहली भी दौड़ते हुए पोजीशन लेने आए थे। और रोहित का जश्न ऐसा था जैसे कि कह रहे हो देखो मैंने कहा था ना यहीं पर मारेगा और इसीलिए यहां पर तुम्हें तैनात किया था और हमारा प्लान काम कर गया। रोहित शर्मा दौड़ते हुए विराट के पास गए और विराट को हाई फाइव हाई टेन किया, जश्न मनाया। और विराट कोहली ने भी रोहित से मिलकर जश्न मनाया और दोनों ही खिलाड़ियों ने साथ मिलकर प्लान किया, एग्जीक्यूशन किया। और यहां पर बड़ा नहीं बहुत बड़ा विकेट भारत को मिल गया था, क्योंकि पिछले मैच में कैमरन ग्रीन ने अकेले ही टीम इंडिया को धो दिया था, मगर यहाँ पर ग्रीन का शिकार हो चुका था दूसरे ओवर में और थर्ड अंपायर ने भी कैमरन ग्रीन को आउट ही करार दिया और कंगारुओं को पहला और सबसे बड़ा झटका लगा। अब मैच में टीम इंडिया को जीत तो मिली, लेकिन सबसे खास यही था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोस्ती, साथ मिलकर टीम को आगे लेकर जाना, जुगलबंदी से विकेट्स निकालना, प्लानिंग करना और उसके साथ साथ सटीक एग्जीक्यूशन भी करना, और ये मैदान में सबने देखा, साफ साफ देखा। अब भले ही कोई रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कितनी ही अनबन की बात कहें, कितनी ही उठा पटक की बात कहें, सब कुछ ठीक नहीं है कहें, लेकिन ये तस्वीरें जो मैदान में दिखी वो कमाल थी और उसने दिखा दिया कि रोहित और विराट न सिर्फ पक्के दोस्त हैं बल्कि टीम को आगे लेकर जाने के लिए, टीम को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दोनों की जुगलबंदी ही भारत को वर्ल्ड कप भी दिला सकती है, दोनों जानते भी हैं और इसीलिए फैंस भी इसे देखकर काफी खुश नजर आए। वैसे एक और बात आपको बता दें कि जिस तरह से टीम इंडिया ने यहां पर दूसरे मैच में वापसी की है, जिस तरह से मैच जीता और
जिस तरह से एक होकर टीम खेली, यूनाइट होकर टीम ने मैदान मारा, उसने वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छी उम्मीद जगा दी है कि कुछ न कुछ रोहित शर्मा और उनकी टीम वर्ल्ड कप में जरूर कर गुजरेगी। तो आपका इस पूरे मैच पर क्या कहना है, रोहित शर्मा विराट कोहली की जुगलबंदी पर और दोस्ती पर क्या कहना है, और वर्ल्ड कप के प्लान पर भारत की क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो टीम इंडिया एक और मैच हार गई, बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा मैच था, लेकिन टीम इंडिया 208 रन बनाकर भी कंगारों से मैच हार गई। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाया था और स्कोर को 208 तक पहुंचा दिया, और जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार 200 के पार का स्कोर था। मगर एक बार फिर से आखिर में भारत की लुटिया डूब गई और वो भी 18वां 19वां ओवर ही एक बार फिर से टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। भारतीय टीम हार गई, सभी लोग बॉलर्स को जिम्मेदार ठहराने लगे। खुद कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा कि बॉलर्स ने हमें गेम हरा दिया, विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन असली वजह बॉलर्स नहीं बल्कि खुद कप्तान रोहित शर्मा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सुनील गावस्कर ने कहा है, जिसके बाद सवाल खड़े हो गए। आप पहले आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि मैदान में क्या हुआ, फिर बताएंगे कि गावस्कर ने क्या कह दिया। तो टीम इंडिया ने 208 रन बनाए थे, तो जवाब में कंगारों की भी धमाकेदार शुरुआत हुई। फिंच के साथ पहली बार ओपनिंग कर रहे कैमरन ग्रीन ने धमाकेदार पारी खेली। ग्रीन ने पावर प्ले में ही भारत से लगभग मैच छीन लिया था। हालत ये थी कि 9 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 100 के करीब रन बन चुके थे और वहीं पर भारत की हार और ऑस्ट्रेलिया की जीत करीब करीब दिखने लगी थी। अब इसके बाद कुछ विकेट्स लगातार गिरे और यहीं पर रोहित शर्मा का बेहद ही हैरानी भरा अंदाज देखने को मिला, और ये मैक्सवेल का विकेट था। उमेश यादव की बॉल पर मैक्सी ने शॉट मारने की कोशिश की, बॉल पीछे की तरफ गई और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने कैच पकड़ भी लिया, लेकिन ज्यादा अपील कार्तिक ने नहीं की। अब यहाँ पर रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक पर भड़क गए, नाराज हो गए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दिनेश कार्तिक ने अपील नहीं की थी। जी हाँ, सिर्फ इतनी सी बात पर रोहित शर्मा चिल्लाने लगे। जी हाँ, यही हुआ था मैदान में। हालांकि अंपायर ने मैक्सी को आउट नहीं दिया था तो रोहित ने DRS भी ले लिया, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक पर चिल्लाते हुए भड़कते हुए दिखे और बहुत कुछ कहते हुए भी दिखे। हालांकि बाद में DRS के बाद मैक्सवेल आउट हो गए, रोहित शर्मा सही निकले तो दिनेश कार्तिक को कुछ इस तरह से रोहित ने पकड़ लिया, चेहरा जकड़ लिया। हालांकि ये मजाक हो सकता है, जी हाँ ये वाला हिस्सा मजाक हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो हुआ था, जो रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक पर चिल्लाए थे, भड़के थे, और वो भी सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि दिनेश कार्तिक ने अपील नहीं की, तो ये मजाक नहीं था बल्कि खुलेआम हमारे मैदान में रोहित शर्मा दिनेश कार्तिक पर भड़क रहे थे और ये बर्दाश्त के लायक बिल्कुल भी नहीं था। यही नहीं, इसके बाद जब 18वां ओवर हर्षल पटेल लेकर आए तो वहां पर हर्षल को 3 छक्के पड़ गए, तो वहां पर भी रोहित शर्मा हर्षल पटेल पर झल्लाते हुए नाराज होते हुए दिखे, और 19वें ओवर में जब भुवी ने 16 रन लुटा दिए तो वहां पर भी रोहित का गुस्सा और झल्लाना साफ साफ दिख रहा था। हालांकि इसके बाद कुछ डैमेज कंट्रोल के लिए जब आखिर यानी कि 20वें ओवर में जबकि टीम इंडिया की हार पक्की थी, सिर्फ 2 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 6 बॉलों में, तो वहां पर युजवेंद्र चहल ने टिम डेविड का विकेट लिया, तो वहां पर रोहित शर्मा के चेहरे पर हंसी दिखी, रोहित शर्मा हंसते हुए दिखे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैच के आखिर में था। इससे पहले जो कुछ हुआ वो बेहद हैरानी भरा था। अब ये ठीक है कि टीम इंडिया हार रही थी और कप्तान होने के नाते रोहित शर्मा परेशान भी थे, उन पर प्रेशर भी था, लेकिन अपनी परेशानी या कहें कि अपना गुस्सा अपना प्रेशर खिलाड़ियों पर डालना, खिलाड़ियों पर निकालना कितना सही है जबकि मैच बेहद टेंस पोजीशन में था, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों पर भड़कते हुए नाराज होते हुए चिल्लाते हुए रोहित शर्मा दिखे, और ये वही रोहित शर्मा है जिन्हें धोनी के बाद दूसरा कैप्टन कूल कहा जाता था। लेकिन यहाँ तो रोहित ने न सिर्फ अपना आपा खो दिया बल्कि बाकी खिलाड़ियों पर भी प्रेशर बढ़ा दिया, और प्रेशर में तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी ढेर हो जाते हैं, और इसी वजह से बॉलर्स का प्रदर्शन, टीम इंडिया का प्रदर्शन भी बेहद खराब हो गया। अब सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा के बिहेव पर बड़े सवाल उठा दिए। गावस्कर ने कह दिया कि रोहित को अपना बर्ताव ठीक करना होगा, एनिमेटेड जेस्चर से बचना होगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। गावस्कर ने कहा कि आप हर वक्त अपने खिलाड़ियों को युद्ध जैसे हालात में झोंक नहीं सकते, आप उनके साथ फ्रेंडली रहिए, गलती हो गई है तो समझाइए, लेकिन आप इतने बड़े स्तर पर खेल रहे खिलाड़ियों को मैदान में डांट नहीं सकते, उन पर चिल्ला तो बिल्कुल भी नहीं सकते, लेकिन रोहित शर्मा ऐसा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। एशिया कप में भी रोहित शर्मा अर्शदीप सिंह पर भड़क गए थे जबकि अर्शदीप ने कैच छोड़ा था, और तब रोहित की खासी आलोचना भी हुई थी, और यहाँ पर गावस्कर ने कहा कि अभी वर्ल्ड कप का प्रेशर आएगा, तो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ऐसा करेंगे तो फिर तो भारत की मुश्किल ही बढ़ेगी, इससे ज्यादा कुछ हासिल होगा नहीं, क्योंकि टीम जीतती है तो कोई भी कूल और नॉर्मल रह सकता है, लेकिन हारती हुई टीम के साथ, प्रेशर बढ़ते हुए टीम के साथ मैच में कूल रहना होगा, ठंडे दिमाग से सोचना होगा, तभी कुछ बेहतर निकल पाएगा। गावस्कर ने रोहित पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और साफ साफ कह दिया कि खिलाड़ियों को कोसने के बजाय रोहित शर्मा खुद अपना बिहेव ठीक करें।
अब आपका क्या मानना है, गावस्कर की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या रोहित शर्मा बाकी खिलाड़ियों पर ज्यादा ही प्रेशर बढ़ा रहे हैं और बिना बात के चिल्ला रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं? क्या रोहित को बिहेव बदलने की जरूरत है? आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।